हम चलते चलो। ओह लुक खाओ दोस्तों। अरे वाह खाओ दोस्तों, हम अभी भी आपके लिए लोनावला में हैं और जैसा ही कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, हम थक गए थे घूम घूम कर, नाश्ता कर कर, और हमने एक पिकनिक स्पॉट ढूंढा, रेस्टिंग स्पॉट ढूंढा, जहाँ पर मैंने और ऋषिका ने कर लिया थोड़ा आराम। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वो आराम नहीं था, वो तूफान के आने से पहले की शांति थी। तो अब आने वाला तूफान, हम जा रहे हैं लंच करने, गर्मा गर्म तिक्खा तिक्खा स्पाइसी खाना खाने। तो आप चलिए हमारे साथ और लोनावला के गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। आइए खाओ दोस्तों। खाओ दोस्तों, तूफान की जगह पहुंच गए हम, और ये जगह है जिसका नाम है जोशी लंच होम। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा है होमली फूड, वेज एंड नॉन वेज, और यहाँ का खाना ना बहुत ही ऑथेंटिकली लोकल है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आइए अंदर चलते हैं जोशी लंच होम के, और कुछ यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन आप और हम और ऋषि का मिलकर साथ में खाते हैं। क्यों जी, चलो क्या खाओगे? पता नहीं, देखते हैं। चलो नमस्कार, हम पहुंच गए हैं जोशी लंच होम, और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ, जो पूरा होटल का कामकाज सब अच्छी तरह यही संभालते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, बहुत ही सही लड़का है ये। और आज सिद्धार्थ हमें बताएगा कि हमें यहाँ पर क्या खाना है और आज का स्पेशल क्या। सिद्धार्थ, हम लोग वेजिटेरियन भी खाएंगे और नॉन वेज भी खाएंगे, और हम लोग हैं तीन लोग। वेज में कॉलीफ्लावर है, बैंगन है, उसल है, पनीर है और भिंडी है फिलहाल मेरे पास अवेलेबल। और आपकी फेवरेट भिंडी तो है ही। और नॉन वेज में चिकन मसाला है, ड्राई चिकन है, प्रॉन्स है और पॉम्फ्रेट है। ओके, तो जैसा ही सिद्धार्थ ने भी बताया कि हमारी कुछ फेवरेट चीज़ें यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर इस लंच होम में, जोशी लंच होम में, कम से कम 25 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, और उनके खाने की क्वालिटी और उसका टेस्ट अभी तक वही है जो 25 साल पहले था। तो सिद्धार्थ, आज हम लेंगे कॉलीफ्लावर दे दो हमको, भिंडी दे दो आपका, उसल और दाल, और नॉनवेज में हमको दे दो एक ऋषिका, चिकन करी खाओगी? चिकन करी डन है, और पॉम्फ्रेट फ्राई और प्रॉन्स करी और चपाती राइस वगैरह जो भी, ठीक है? तो बैठे हम, चपाती या भाकरी खाएं? हाँ चपाती डाल, चपाती, ठीक है, चलो ओके ओके ओके। हाँ खाओ दोस्तों, हम भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए हैं, और ये देखिए यहाँ का मेन्यू कार्ड, एकदम लिमिटेड डिशेज हैं। नॉन वेज में कुल मिलाकर 5 या 6 आइटम हैं, सिमिलरली वेज में भी 5 या 6 आइटम हैं, लेकिन हर चीज़ की प्रेपरेशन, हर चीज़ का टेस्ट बिल्कुल अलग। हम आपको किचन के भी शॉर्ट बीच बीच में दिखाते होंगे, तो आप देख रहे होंगे किस तरह ये चीज़ें अलग अलग तरीके से तैयार की जा रही हैं। लेडीज़ मोस्टली हैं किचन के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द कुकिंग इज़ डन बाय देम, और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही हॉस्पिटेबल एटमोसफियर है। तो मटन, चिकन, फिश, प्रॉन्स और पनीर, भिंडी, बैंगन, उसल, दाल, सिंपल चपाती एंड राइस, वेरी सिंपल मेनू, दैट्स व्हाई इट्स होमली, घर गुती जेवन।
हे आहे जोशी लंच होम मध्ये, या माझ्याकडे. नमस्कार आई, नमस्कार, कैसे आप? या बसा सकते हैं. थैंक यू, धन्यवाद. खाओ दोस्तों, ये हैं हमारी जोशी आंटी, जिनका ये रेस्टोरेंट है और कई सालों से हम इनके पास आ रहे हैं. इतने प्यार से खिलाती है ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं 25 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो तब तो ये खूब भाग दौड़ करती थी, किचन में रहती थी, खुद ही खाना बनाती थी और ऐसे सुपरवाइज करती थी. आज भी हर चीज इनके टेस्ट के अप्रूवल के बिना रेडी नहीं होती. जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, पहले इनसे टेस्ट करवाते हैं, जब ये ओके बोलती हैं तभी वो कस्टमर की टेबल पे जाता है. भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जगह जोशी, पहले इसको जोशी सैनिटोरियम भी बोलते थे ना, पहले से ये सैनिटोरियम था. फिर बाद में इन लोगों को कोई जो रिश्तेदार थे तो उनको ये जमा नहीं कि उसको आगे बढ़ाए ये अपना सैनिटोरियम को, तो इसका खंडर हो गया था पूरा. अच्छा. तो इधर आने के बाद 75 में मैं यहाँ पे आई. ओके. तो यहाँ आजू बाजू में कुछ नहीं था. अच्छा. अरे आने के बाद क्या हो गया कि थोड़ा मैं कोर्ट में सर्विस करने वाली औरत सबको पता चला, यहाँ के विलेज वुमन को. हाँ. तो उनको जो दिक्कतें थी तो वो मेरे पास आया करती थी. मैं उनको कहती थी कहीं तुम अपनी नौकरी ढूंढो, नौकरी कर लो, अर्थार्जन हो जाएगा तुम्हारा. तो एक औरत ने मेरे को स्पार्क दिया, तो बोले अपन खानावळ चालवायची का मराठी में. रेस्टोरेंट नाम तो बहुत बड़ा हो जाता है, खानावळ हर औरत कर सकती है. मेरे भी दिमाग में आया कि चलो खानावळ हम लोग चला सकते हैं. खानावळ याने क्या, रोटी सब्जी, दो सब्जियां दे दो, एक मटन की कटोरी दे दो, चिकन भी कर, उस सिंपल फूड मतलब सिंपल फूड दे दो, और वो तो मैं दे सकती थी हर एक को. तो फिर चालू किया मैंने 87 में, मैंने फिर रेस्टोरेंट चालू किया. ये जगह पे मैं आ गई तो ये जोशी का नाम मैंने ही पॉपुलर कर दिया. अच्छा. कि ये मेरे घर में जो इन्होंने 4 कमरे बना के गए तो उसके पीछे एक हकीकत है. उन्होंने बोला, लिख के भी रखा है कि अमाला ह्या जागेवरून संपूर्ण का. तो मैंने किराए पे ये जगह ली है. अच्छा. पर जोशी के नाम की वजह से मेरे को यहाँ इतने बड़े बड़े लोग मेरे जिंदगी में आए. लास्ट में अभी 23 जुलाई में मैं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति गई थी, मैं राष्ट्रपति को मिलने गई थी. अच्छा. दिल्ली में तो 23 जुलाई को अपना द्रौपदी जी मुर्मू, इनकी मेरी फोटो लगी है. हाँ 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 हाँ. इतनी प्यार मोहब्बत से राष्ट्रपति भाई ने मेरे को बुलाया, अम्मा आओ मेरे पास. क्या बात है. अच्छा. बस वही मेरे को जिंदगी में इतना बड़प्पन मिल गया. बड़े बड़े लोग तो आए गए, आशा जी अपनी है, आशा ताई भोसले, सलमान जी है, सचिन तेंदुलकर है, हमारे बहुत सारे एक्ट्रेस है, हिंदी फिल्म के भी है, और आप भी तो थे ना एक्ट्रेस. चलिए बहुत मजा आया आपसे बात करके, है ना. अभी हम जाके खाना खाते हैं और फिर आपके साथ तो मुलाकात होती है. खाना खा के बाद खाना खाने के बाद आता हूँ ना 5 मिनट, ठीक है. खाओ दोस्तों, देख लिया आपने, हमारे सामने आ गई है महाराष्ट्रियन फीस्ट. तो एक एक चीज़ हम लेते हैं और खाते हैं. आह, ये भिंडी तू तो कभी ऐसी ना थी, क्या स्वाद और करारी लग रही है देखने में. ये ली हमने भिंडी दोस्तों, ये है कॉलीफ्लावर और मटर की सब्जी, सिंपल, लाइटली प्रिपेयर्ड, नॉट मैनी स्पाइसिस, लुक सिंपल एंड इज सिंपल. और ये है यहाँ का फेमस वांगी, यानी कि बैंगन, साथ में है इसके आलू और मटर. इसका जो रस्सा होता है ना, ये कमाल का होता है. ये गया. और ये महाराष्ट्रियन ऑल फेमस ठेचा, जो हरी मिर्चों को पीस पीस कर बनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, ये ली हमने एक चपाती. चपाती देखिए कितनी अच्छी, नरम नरम, एकदम घर का फुल्का होना बिल्कुल वैसी है. चलिए अब हम शुरू करते हैं भिंडी से. हाँ, डिश में ना प्यार छलकता है, प्यार, जिस प्यार से चीज बनाई गई है. वेरी नाइस. देखिए कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में ऑयल या ज़्यादा मसाले दिख नहीं रहे, लेकिन स्वाद इतना डेलिकेट है, वो इतना टेस्ट है. भिंडी इतनी फ्रेश है, शायद आसपास के गांव से लाए होंगे ये लोग, दैट्स व्हाई द टेस्ट इज सो गुड. अब ये टेस्ट करते हैं आलू गोभी और मटर की सब्जी. हल्की हल्की गीली गीली है, रस्सा है,
वैसे ज्यादा करके लोगों के घर में एकदम सूखी आलू गोभी बनती है, ये थोड़ी अलग है। अगेन जो वेजिटेबल्स की फ्रेशनेस है ना, उसकी वजह से डिश का टेस्ट ही एकदम बदल गया है, आई गॉन टू अनदर लेवल। अब ये है हमारे पास बैंगन, ये कहते हैं वांगी, और मटर, और साथ में आलू। ये हाँ हाँ, इसमें वो टिपिकल एक महाराष्ट्रियन गरम मसाला पड़ा हुआ है जो इस ग्रेवी को एक अजीब सा मतलब हिट आ रहा है, हिट मुंह में। एंड ठेचा, तू तो ठेचा ही है भाई, ध्यान से खाना पड़ता है, ब्लास्ट ना हो जाए। यम। तो ये हो गए हमारे वेजिटेरियन भाई बहन। तो ऑन द ऑल ग्रेट सिंपल राइट फूड, एंड एज राइटली सेड, जैसे बाहर लिखा हुआ है, होमली खाना है ना। तो अब लेते हैं हम प्रॉन्स टेस्ट किए जाएं। हाँ हाँ हाँ, प्रॉन्स का साइज देखिए आप, इट्स सो नाइस एंड बिग एंड स्मेल्स ग्रेट टू, क्या सुगंध आ रही है। तो प्रॉन्स खाकर देखते हैं, इसके लिए रोटी नहीं समझ लेंगे। और ये कहते हैं ना सिंपली सुपर्ब, फ्रेश प्रॉन्स, ग्रेवी ग्रेट, महाराष्ट्रियन स्पाइसेस, कोकोनट का हल्का सा टेंजर, ज्यादा नारियल नहीं डाला है, दैट्स व्हाई वो इट्स नॉट ओवर पावर्ड बाय कोकोनट, है कोकोनट लेकिन हल्का, स्पाइसेस हल्के, तेल हल्का, डिश भारी, काफी भारी, मतलब बहुत ही यमी। अब क्या रहा, अब रहा ये हमारा चिकन रस्सा, क्या बात है, आजा भाई। हाँ, इसकी ग्रेवी और इसकी रंगत बस जस्ट कमाल की, क्या बात है। ये अब दोस्तों चिकन खाकर बताते हैं, वाओ, ना सॉफ्ट, कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, और ये क्या बात है, बस इधर आके ना बस मुझे ये निकलता रहता है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वाओ, मुश्किल भी आ गया है। अगेन ज्यादा तीखा नहीं है खाना, बहुत ही हल्का चिकन है, और मेरे ख्याल से इस चिकन को ना राइस के साथ खाने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसका रस्सा, इसकी ग्रेवी बड़ी पतली पतली, और चावलों के साथ मिलजुल कर खाएंगे तो इट विल बी रियली गुड। नाउ विल टेस्ट दिस फिश फ्राई। हाँ हाँ, आजा मेरे मच्छी, यहाँ से नहीं, हम मच्छी को यहीं से ही तोड़ते हैं, ये ऐसे, वाह, ये हाँ, क्या बात है, मसाले की खुशबू, और ये अंदर वाइट वाइट, ऊपर क्रिस्प क्रिस्प, हाँ दिस पॉम्फ्रेट फ्राई इज माई फेवरेट, मुझे पॉम्फ्रेट इतनी पसंद है ना, कई जगहों पर हम ये पॉम्फ्रेट फ्राई खाते हैं, इसके ऊपर रवे की, चावल के आटे की, सॉरी कोटिंग होती है, लेकिन यहाँ की पॉम्फ्रेट फ्राई की ना, आई एम टेलिंग यू, एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बात ही कुछ और है, इतने अच्छे मसाले लगे हुए हैं हल्के हल्के, और जो कोटिंग भी है बिल्कुल मोटी नहीं है, इट जस्ट गोज विद द फिश, और मुँह में घुल मिलकर चली जाती है, तो जस्ट अमेजिंग सब कुछ टेस्ट। अब ये उसल आया, किस चीज़ का उसल है आज ये, यहाँ ये रोंगी का उसल लग रहा है मुझे, यस बिल्कुल, इसके लिए भी कटोरी चाहिए होगी। तो ये देखिए, ये आया हमारा उसल, क्या बात है। मस्त है, सब कुछ मस्त है। वैसे उसल कई चीज़ों का बनता है, ये इन्होंने चोले या रोंगी का बनाया, जैसे वटाने का उसल भी बनता है,
मटकी का उसल भी बनता है, कई चीज़ों का समझे। खास बात मुझे ये लगी इस खाने के बारे में कि कोई भी खाना तीखा नहीं है, एवरीथिंग इज माइल्डली स्पाइस्ड, वेरी फ्रेश एंड ऑन द होल घर वृत्ति जेवण एकदम आहे हे मला खूप चांगलं वाटलं, बरं वाटलं आणि स्वादिष्ट वाटलं। खाओ दोस्तों, अब बारी आई ये प्लेन स्टीम राइस की, साथ में हम इसके लेंगे ये गर्मा गर्म वरण। अरे बाप रे काफ़ी गर्म है, सिंपल वरण है, सिंपल तरीके से ही बनाया जाता है ये गर्मा गर्म, अभी तक धुआं निकल रहा है। ये डाला हमने राइस के ऊपर, हाँ हाँ क्या बात है, तुअर दाल का वरण गरम। लेकिन यार दाल चावल ना मैं चम्मच से नहीं खा सकता, बस ऐसे ही मज़ा आता है। साथ में ये थोड़ा सा थेचा थेचा मिलाया दाल, इस वरण भात के ऊपर थेचे ने चार चांद लगा दिए। एंड काश मैं यार लोनावला में रहता, मैं घर पर तो खाना खाता ही नहीं, इधर ही खाता रोज। तो अभी भी आप लोग विजिट कीजिए, मज़ा आएगा जैसा मुझे आ रहा है। खाओ दोस्तों, मज़ा आ गया हमको जोशी लंचों में खाना खाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे ये ब्लॉग पसंद आए होंगे। बस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हर ब्लॉग देखिए और हमारे साथ घूमिए फिरिए ऐश कीजिए। और जब तक हमारा अगला ब्लॉग नहीं आता, बस आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।